सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़, जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ दो हफ्ता पहले जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा, वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क को रखा। ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग, नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे। एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज मैं आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बोलने के लिए हमारे पास में श्री 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 मेजर गौरव आर्या जी। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसमें कोई मीम नहीं है, ना मैं बीच में आने वाला हूं। जो लोग मुझसे परेशान है कि मैं बार बार बीच में आता हूं, तो वो काम भी खत्म है, लोग परेशान हैं, मीम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई मीम नहीं आने वाला। तो चलते हैं गौरव आर्या जी के पास, और मैं मिलूंगा आपसे सबसे आखिरी में। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है, आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम, यानी कि आपके IMF को एटम बम मार देंगे, आप अमरीका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इसराइल पे छोड़ देंगे, क्या एटम बम से क्या कर। एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क को रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है, मुझे लगता है कि बड़ा गलत एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, और बाकी भी लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए, ये सब वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा दूसरी चीज है, जहां तक श्रीलंका की, सॉरी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां श्रीलंका की जो हालत हुई है उस हालत की तरफ जा रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम और सी पैक है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं देखिए, फिर यही आर्ग्यूमेंट उनके लिए भी है ना, क्योंकि मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अक्सर पाकिस्तानी देते हैं, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया, पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा चीज, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। उसका कारण है आरजू जी, इनके पास कोई प्लान नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें, हम रिलीफ देंगे, वो आई थिंक मरियम औरंगजेब या कोई लेडी ऐसी थी जो बोल रही थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को, ये सब ऐसी रिलीफ विलीफ है, ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सर्वाइव कैसे
कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, यू नो पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी, ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए, ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई है। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी ऑफ ऑलरेडी बोरोड, उतना बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला आरजू जी अभी तक कि यार देखो यहाँ पे हमें बोरिंग रोकनी है और ये हमें ये चार चीजें करनी है और इसका ये प्लान है, ये बंदा ये प्लान करेगा, इस तारीख को हम रिव्यू करेंगे। कुछ नहीं, इमरान खान का टोटल मकसद है मैं सरकार गिरा दूं, मैं बन जाऊं। शहबाज शरीफ का टोटल मकसद है मैं इमरान खान को फेल कर दूं, मैं बना रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, जब ऐसा होता है ना, सब लोग, सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़, जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बात यह है कि आपके जो लोग हैं, और इसमें खान की भी कैबिनेट के लोग हैं, इमरान खान खुद नहीं लेकिन इमरान खान की कैबिनेट, आपके मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके अशराफिया के पास दो दो पासपोर्ट है। बात यह होती है कि जब आप लड़ने जाए ना, और अगर आपको यह पता है कि मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो आप जान लगा के लड़ेंगे नहीं। इन सबको पता है कि जिस दिन ये क्यों इतनी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरजू जी आप खुद कभी सोचा है आपने, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में, लंदन में क्यों करते हैं, टोरंटो में क्यों इनके बड़े बड़े महल हैं? इसीलिए हैं कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे। दे अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क ठीक हो, सबसे पहले आप डूल पासपोर्ट बंद करिए और बोल दीजिए कि कोई भी सिटीजन, वो मंत्री हो, संतरी हो, वो चपरासी हो, वो वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, रेड़ी लगाता हो बेशक, या तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा या किसी और मुल्क का होगा, फिर वो मुल्क से भाग जाए। Nobody should be allowed. ये dual passport सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास dual passport है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ बनाना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। यू शुड मेक अ फ्यू लॉज कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, किसी को नहीं पता किसके पास dual passport है, किसके बच्चे को किस सेंस में किसी ने बाहर भेज रखा। बच्चों को तो ऑफकोर्स यू कैनॉट कंट्रोल, पर कोई बाहर जा रहा है, लेकिन ये सब लोग, इनका एक पैर पाकिस्तान में एक पैर बाहर है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपकी। लेकिन श्रीलंका के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? और दूसरा, उसका उसकी जो कहना, लोग कहते हैं कि जी इंडिया को भी उससे बहुत फर्क पड़ेगा जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं वहां पे। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिया तो मदद कर रहा है, अरबों डॉलर दे चुका है, इंडिया को क्या फर्क पड़ना उससे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे नेबर है तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी, ये बात सच है। दूसरी एक और चीज है अर्जुन जी की, श्रीलंका का क्यों हुआ आपने पूछा, उसकी तीन वजूहात हैं। पहली चीज, करप्ट एलीट जो कि पाकिस्तान में भी है, आपका टॉप का तबका तो ऊपर से नीचे सारे करप्ट है, लेकिन टॉप का तबका वो ज्यादा खा पाता है, उसके जबड़े बड़े हैं, वो गोश्त ज्यादा नोच पाता है ना एक तरीके से, तो वो ज्यादा करप्ट हो गया। अब रेड़ी वाले का कम चलता है मामला, तो रेड़ी वाला कम तोलता है, वही 100-200 ग्राम आधा किलो की चोरी कर पाता है, वो बड़ा चोर है, बड़ी चोरी करता है, वो डकैती डालता है, तो ये सब फर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक करप्ट एलीट है नंबर 1, वही श्रीलंका का है, ठीक है। नंबर 2, चाइनीज लोन्स, नंबर 2। नंबर 3, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, जो हनुमनटोटा पोर्ट में और जो उस एयरपोर्ट में, मैं नाम भूल रहा हूं, उस एयरपोर्ट में जो श्रीलंका के साथ करा, वही तो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। चाइनीज ने एग्जैक्टली जो श्रीलंका के साथ करा है, वही एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान के साथ करा है, 1 रुपए का फर्क नहीं है। ये जानते हुए श्रीलंका को पैसे दिए कि श्रीलंका वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा, पाकिस्तान को भी ये जानते हुए पैसे दिए कि पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। अभी $2.5 दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले जी, वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा, वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। सॉरी, मोटरवेज को भी मोटरवेज को भी आरजू जी गिरवी रखा है, तो ये सब चीजें चल रही है पाकिस्तान में। तो ये हमें देखना है, एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका का, जो ये लोग पाकिस्तान के साथ, और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? IMF में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। तो जो फॉर्मेट चाइना ने श्रीलंका में अपनाया था, वही फॉर्मेट चाइना ने
इधर अपना है। और जो लोग सीपैक की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सीपैक है, सीपैक आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आज तक किसी पाकिस्तानी से मैंने बात नहीं करी जिसको सीपैक की पूरी नॉलेज हो। किसी को नहीं पता अंधेरे में क्या चल रहा है, या तो आपकी फौज को पता है या आपके थोड़े बहुत अशराफिया में 15-20-25 लोग होंगे जिनको पूरी डिटेल पता है, लेकिन मुल्क के आम आदमी को नहीं पता है। जो चाइना चाइना देखिए चाइना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी आरजू जी, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू जी, चाइना जो है, चाइना ने करीब अभी तक $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है फिजिकली पाकिस्तान में, राइट? कोई ये बता दे कि 40 अरब डॉलर करीब 60-65 अरब का है जी सीपैक, और जो आपका मीडिया कहता है 35-40 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, कितने जॉब क्रिएट हुए? मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 अरब अगर पाकिस्तान के अंदर आए, 40 अरब कोई छोटा पैसा तो नहीं होता है ना, हम लोग कहें कि बहुत छोटा पैसा है, रेजगारी है, चिल्लड़ा, ऐसा तो नहीं है, 40 अरब बहुत बड़ा पैसा है। 40 अरब अगर आपके मुल्क में आए, कोई 20 अरब कहता है, कोई 30, कोई 40, हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 40 आ गए, उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनों को रोजगार मिला? आपके यहां लोड शेडिंग अभी भी होती है? क्या लोड शेडिंग कम हो गई? क्या बिजनेस बूम कर रहा है? क्या आपका स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त है? क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई? ऐसा हुआ क्या है 40 अरब डॉलर के बाद? वो किस गड्ढे में गया 40 अरब? और ये 40 अरब देना है आपको वापस चाइना को, बाय द वे ये ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि आप इतना आरओआई देंगे उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ लोन्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा देंगे, तो ये 40 अरब आपके सर पे लोन खड़ा है। मेरा ये सवाल है कि उस 40 अरब का हुआ क्या? 20 अरब 30 अरब 35 अरब जो भी है उसका हुआ क्या? उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट? कुछ भी नहीं, ना कोई जॉब्स क्रिएट हुई है ना कुछ। वो तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जी करप्शन में इधर उधर हो गया है, बल्कि चाइना भी इसीलिए नाराज है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा आप लोग जो है गायब कर देते हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है जो गौरव आर्या जी ने कहा, और जो अभी पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जल्द ही बर्बादी के रास्ते पर खड़ा हो जाएगा। आई थिंक खड़ा हुआ तो है, नंगा हो जाएगा। तो 10-12 कमेंट चिपका दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।